हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब। सो हम देखने वाले हैं आपके लिए लव रीडिंग। एंड गाइस, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज ये इस साल की लास्ट रीडिंग होने वाली है। ओके, एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ओके, सो आई एम स्टार्ट करते हैं टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, द टावर, द लवर। ओह माय गॉड, टॉरस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के तरफ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहे हो। ओके, इस वीक जो आपका रहेगा बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप कुछ न्यू प्लान्स कर रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को लेकर अपने पर्सन के साथ कुछ न्यू प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसमें से हो सकता है गाइस कि कहीं आपके पर्सन मुझे थोड़े से इसमें थोड़े से डाउन दिखाई दे रहे हैं बिकॉज आपके पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट उनकी जो सिचुएशन है इस वक्त की, जो उनकी कंडीशन है इस वक्त की, उनकी जो फैमिली में मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उनकी फैमिली किसी तरह से आप दोनों के बीच में आ सकती है। ओके, किसी मुझे फेमिनिन एनर्जी की तरह दिखाई दे रहा हो सकते हैं कि उनकी मदर हो, उनकी सिस्टर हो। ओके, उनकी तरफ से कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आप दोनों के रिलेशन को पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर वो आपको अपनाना नहीं चाहते, इस तरह की किसी तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप भी उनको लेकर बहुत सारे प्लान्स बना रहे हो इस वीक। ओके, बिकॉज ये न्यू ईयर का वीक होने वाला है, क्रिसमस होने वाला है इस वीक में। सो गाइस, इस वीक में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होते हुए भी कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्टक दिखाई दे रहे हो। ओके, जो आपकी प्लानिंग है कहीं ना कहीं वो एक जगह आके रुक जा रही है, मतलब एक जगह आके पॉज हो जा रही है बिकॉज आप उसके आगे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई दे रहे गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं। ओके, बट उनकी जो सिचुएशन है इस वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी चेंज से वो गुजर रहे हैं इस वक्त। ओके, उनकी फैमिली में किसी तरह का हो सकता है किसी तरह की सिचुएशन हो जिसकी वजह से वो किसी ना किसी चेंज से गुजर रहे हैं एंड वो इस वक्त चाहते हैं वो आपके साथ रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। ओके, बिकॉज यहाँ पे दी लवर की एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है एंड वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को लेकर उन फैमिली की वजह से आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा सकते हैं। ओके, सो इस वीक की जो एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है गाइस, कोई ऐसी सिचुएशन है उनकी फैमिली की तरफ से जो आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम दे सकती है, थोड़ा सा आप दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, और जिस वजह से आपकी भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं एक पॉज सिचुएशन में हो, एक पॉज कंडीशन में आप आ रहे हो। ओके, जो आपकी प्लानिंग से कहीं ना कहीं वो रुक रही है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस वीक ये कंटिन्यू करेंगे एंड हो सकता है कि ये न्यू ईयर गाइज आप दोनों के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ला सके। ओके, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कुछ पॉजिटिव तरह से कर सके। ओके, कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर सके आप दोनों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाकर। ओके, सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आप दोनों के लिए। टॉरस के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, आंसर, द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, सो गाइस, यहाँ पर जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, सो जो भी जिस भी सिचुएशन में हो के
आप इन सिचुएशन में कभी भी यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आप अपना प्राइड बिल्कुल भी खोने नहीं दोगे, ओके? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा आप रखोगे, ओके? और रखनी भी चाहिए, बिकॉज हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ओके? सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और होनी भी चाहिए, ओके? एंड यहाँ पर यूनिवर्स का भी यही मैसेज है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े जहाँ पे अपने आपको प्राइड को साइड रख के आपको एक्शन लेने पड़े, बट आप उससे वैसा एक्शन ना लीजिए, ओके? एंड अपने प्राइड को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, एंड जो भी आंसर आपको चाहिए, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू है आपकी लव लाइफ में, उसका सॉल्यूशन, उसका जो आंसर है गाइस, वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, वो इस वीक के एंड तक आपको मिल जाएगा, ओके? ओके टॉरस, बाय.